अभी 5 साल बाद फिर हारेगी। अब तो बन गई सरकार, तो बन गई, अब नहीं बन पा है। जैसे बेरोजगार आदमी करो तो हम नहीं बन पा है। नेता लोग के जेब भर रहे हैं, बस बात जाए। सबकी तो जमीने हैं, कब्जा ठोके अकेले, बात जाए अकेले, भाई कछु नहीं है बाकी। तो बेचारे गरीब आदमी पल रहे, एक दुकान से कम 5-6 आदमी काम करे, बेरोजगार रहे। एक दुकान में कम से कम 20-20 आदमी काम करते भाई। पुलिस ने भगाया है हम लोगों को, बस ड्राइवर हूँ मैं। पुलिस ने यहाँ लट मार के भगाया है गाड़ियों को, गाड़ी निकालो तो लट मारेंगे तुम लोगों को। और आज आप देख रहे हैं गिरा के किस बेस पे गिरा गए ना। ये सरकारी जगह है, ये तो अभी भी डिपो के अंदर में। उनका कहना था आज सुबह की सरकारी जगह है, सरकारी अमला है, गिरा सकता है। तो ये भी तो हमारे धन दौलत से बनी है, हमने टैक्स भरा उससे बनी है। हमें बता तो दो, कारण दो आप, किस कारण से गिरा रहे हैं? अचानक कुर्ती में क्यों गिरा रहे? देश दबाना चाहते हैं आम जन को, वो नहीं दबेंगे। अब राज्य परिवहन अभी मर्ज नहीं हुआ है किसी भी विभाग में, ये सभी को मालूम है। जैसे प्रशासन को इसको नष्ट कर दिया जाए बाहरी रूप से, अगर रहेगा साफ ना रहेगा प्रशासन को, अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले बड़ी बिल्डिंग को तोड़ो ना, पिटो को क्यों तोड़ते हो? आपको सबसे पहले जो बिल्डिंग बनी है बड़ी, उसके शुरुआत कीजिए आप। अगर आपका मोल बनाना है क्या? अब सर वो तो ईश्वर ही जाने या कलेक्टर साहब जाने कि माल बनना है कि क्या बनना है। हम तो ये कहते हैं कि तोड़ा जाता है सबसे पहले ऊपर वाला और मजबूत वाला हिस्सा तोड़ा जाता है, नीचे से नहीं तोड़ा जाता। नीचे से कितनी किसी को भी आदेश, कोई आदेश नहीं। सबके व्यापार चौपट, सब व्यापार चौपट है, सब परेशान है, पूरा व्यापार भर पूरा परेशान, स्टाफ परेशान और कर्मचारी परेशान और जे सिटी के पूरे पैसेंजर परेशान। उल्टा सीधा पैसा लगता है। अब जिनको 5 मिनट लेट हो गए, भैया हमको जल्दी भेज दो यार गाड़ी ले पकड़ रहा है, तो 5 की जगह 50 लगते देना पड़ती, क्या करें, मजबूर है। रात में बैठो पुलिस परेशान करेगी, कहाँ के हो, कैसे हो, पैसेंजर आ भी गया इधर। इधर तो ये था कि भैया इतने साधन नहीं मिला तो रेलवे स्टेशन 10 रुपये में चले जाओ, स्टेशन पे अगर कोई ट्रेन नहीं है तो 10 रुपये में बस स्टैंड आ जाओ, पैदल भी आ जाओ। रात में खावे को इंतजाम, हर चीज़ की व्यवस्था रहती थी इधर। पैसेंजर अगर पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहती, महिला यात्री सुरक्षित रहता था। अब महिला को अगर रात में किसी को जाना हो, किसी का रिजर्वेशन है, तो महिला जा नहीं सकती। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस वक्त हम पुराने बस स्टैंड में, जो 100 साल पुराना है, स्मार्ट सिटी ने यहाँ जो है अभी 2023 में नगर पालिका निगम सागर या और आप देख सकते हैं सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इन्होंने एक महिला सुविधा गृह बनाया था। ये जो है स्वच्छता अभियान के तहत जो इन्होंने बनाया था, इसमें अभी ताला लगा है और ताला अभी तक जब से बना है 1 साल हो गया, 1.5 साल ताला खुला नहीं है। अब ये खबर है कि ये बिल्डिंग भी गिराई जाएगी, क्योंकि अब नया बस स्टैंड जो है, पुराना बस स्टैंड बंद हो गया है, नए बस स्टैंड में ये जो है शिफ्ट हो जाएगा, इस बिल्डिंग की अब कोई ज़रूरत नहीं। बड़ा गजब, ये कहाँ का मतलब विकास है कि वो ताला तक नहीं खुला, एक भी दिन जो है महिलाएँ इसमें प्रवेश नहीं कर पाई। और तकरीबन मेरे हिसाब से 25 लाख की लागत से बना होगा। तो ये पैसा किसका है भाई, ये पैसा कहाँ जाएगा? तो इसको अगर आप गिराओगे तो फिर पैसा जो है बर्बाद कौन का हो रहा, जनता का है? ये किसका पैसा है? ये कोई सरकारों का पैसा है या कोई प्रशासन का पैसा है? पर आप देखिए किस तरह से इनने बैरिगेट्स लगा दिए, यहाँ कोई प्रवेश न कर पाए। आज JCB मशीन आई थी और आप देख सकते हैं जनता हमारे साथ जो है, यहाँ की जनता ने हमें सागर एक्सप्रेस न्यूज़ को बुलाया है, हमारे साथ देख सकते हैं जनता। हम और भी बताएंगे आपको तस्वीरें, और ये बताने की हम कोशिश भी करेंगे कि पहले तो हमने ये बताया कि ये 2023 में खुला था, ये JCB आई थी आज, और JCB यहाँ जो है प्लेटफॉर्म्स बने हैं उनको तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि अब जो है हम नहीं तोड़ने देंगे, और यहाँ जो है हंगामा हुआ
उसके बाद जेसीबी चली गई। ये राज्य परिवहन विभाग की प्रॉपर्टी है, नगर निगम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये राज्य परिवहन निगम की प्रॉपर्टी है। जब वहाँ से एनओसी मिलेगी जब ही कोई यहाँ जो है जेसीबी चला पाएगा। फिलहाल बनी हुई चीज़ों को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है भगवान जाने, यहाँ कौन सा प्लान हो रहा, मॉल बनेगा या फिर कोई और चीज़ बनेगी, किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे लोग हैं जो इस नए बस स्टैंड की जगह, पुराने बस स्टैंड की जगह को चाहते हैं, कोई रसूख लोग हैं, कोई पावरफुल लोग हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के खासम खास लोग हैं जिनको ये जगह चाहिए। इसलिए यात्री परेशान हो कोई मतलब नहीं, प्रशासन को, सरकार को, यहाँ के बस ऑपरेटरों को घाटा लगे वो परेशान हो वो कोई मतलब नहीं। ट्रैफिक की बार बार ये कहते हैं कि जाम नहीं लगना चाहिए, तो हम फिर कहते हैं कि एलिवेटेड कॉरिडोर बना है वो ट्रैफिक न लगे इसलिए बना है। लेकिन आप कभी कोतवाली से बड़ा बाजार जाइए तो आपको पता चलेगा कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनने का फ़ायदा है या फिर नुकसान है। हम यहाँ के लोगों से फिर बात करेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है बड़ी उम्मीद है और बड़ी ललक है कि पुराना बस स्टैंड इस इनके लोगों को मिल जाए। और यहाँ तकरीबन 500 बसें बंद हो गई। आप देख सकते हैं भीड़ है और भीड़ की ये मांग है, मांग सिर्फ यही है कि हमारा बस स्टैंड जो 100 साल पुराना है वो हमें वापस कर दिया जाए। जब जनता चीख चीख कर ये कह रही है, लोग यहाँ के कह रहे हैं, कई लोगों का रोजगार चला गया, कई लोग बेरोजगार हो गए, व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए, बस ऑपरेटरों को घाटा हो रहा है, यात्रियों को परेशानी हो रही, लेकिन किसी को कोई दिख ही नहीं रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि शायद ये हस्तनापुर है और हस्तनापुर ऐसा है कि ना यहाँ कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है, हमने कहा ये हस्तनापुर है जी बिल्कुल, वो कभी इमरजेंसी लगी थी 75 में वही हालात है, बिना कोई दलील ना कोई वकील ना कोई अपील ना। तो लग रहा है कि आपको बिल्कुल वही है, वही मौसम है, वही हालात हैं। और अब तो राजा भी ना ऐसा मिला है, ना सुन रहा है, ना बोलने दे रहा है, तो स्थिति इतनी खराब है। यहाँ इतने जो लोग खड़े हैं सबका रोजगार चला गया, पिछले एक महीने से किसी को कोई आमदनी नहीं है, उनके विषय में तो सोचिए। और आज ये आप देख रहे हैं गिरा के किस बेस पे गिरा गए, ना ये सरकारी जगह है, ये तो अभी भी डिपो के अंदर में है। उनका कहना था आज सुबह की सरकारी जगह है, सरकारी अमला है, गिरा सकता है, तो ये भी तो हमारे धनदौलत से बनी है, हमने टैक्स भरा उससे बनी है, हमें बता तो दो कारण दो आप किस कारण से गिरा रहे हैं। देश से दबाना चाहते हैं आमजन को, वो नहीं दबेंगे। अब राज्य परिवहन अभी मर्ज नहीं हुआ किसी भी विभाग में, ये सभी को मालूम है। और आज भी इस बिल्डिंग का पूरा किराया, ऊपर लाज है, होटलें हैं, सबका किराया मध्य प्रदेश शासन राज्य परिवहन निगम को ही जाता है। उनके वर्कर भी किसी विभाग में मर्ज नहीं किए गए। भोपाल में उनका एक अलग ऑफिस बना हुआ है, ये जगह उनकी है। और पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी शहर में जाइए, राज्य परिवहन के मुख्य स्टैंड भी सड़क में थे, आज भी उनकी संपत्ति है, ना कि निगम की। आज निगम की जेसीबी मशीन आई, उसने प्लेटफार्म को तोड़ना चालू किया। उनसे पूछा भाई आपका इसको लिखित आदेश, उसने कहा नहीं, हमें ऊपर से आदेश मिला है। हम लोगों ने उसको फिर समझाया, वो नहीं माना। उसके बाद भी उसने 3 पिटों को यहाँ से तोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा अब पिट तोड़ना आप बंद करो, या तो आदेश लाओ नहीं तो पिट नहीं तोड़ो। आप एक सवाल का जवाब देंगे, इतनी जल्दीबाजी क्यों है सारी तोड़फोड़ के? ऐसे थे प्रशासन को कि इसको नष्ट कर दिया जाए बाहरी रूप से, अगर रहेगा साफ ना रहे। प्रशासन को अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले बड़ी बिल्डिंग को तोड़ो ना, पिटों को क्यों तोड़ते हो? आपको सबसे पहले जो बिल्डिंग बनी है बड़ी उसकी शुरुआत कीजिए आप। अगर आपका मॉल बनाना है क्या? अब सर वो तो ईश्वर ही जाने या कलेक्टर साहब जाने कि माल बनना है कि क्या बनना है। हम तो ये कहते हैं कि तोड़ा जाता है तो सबसे पहले ऊपर वाला और मजबूत वाला हिस्सा तोड़ा जाता है, नीचे से नहीं तोड़ा जाता है। नीचे से कितनी परेशानी हो रही है आप यहाँ? बहुत परेशान है, ऑटो माटो रिक्शा ऐसा कुछ नहीं चल पा रहा है, बेरोजगार हुआ है। बेरोजगार हुआ सारे लोग कितने धंधे वाले लोग? 2 दिन से फोन ये नहीं करी, पहले भी चला रहा है 200-300 रुपये का धंधा है बस। पहले तो चल ही जाता था, थोड़ा वो 200-300 रुपये बच जाते थे, अब तो 200-300 का धंधा हो रहा है, 100-200 का पेट्रोल ही लग जाता है। आप मतलब क्या काम करते हैं? हम इधर वर्कर हैं। वर्कर हैं? हाँ, स्टैंड पे। अच्छा, हाँ।
गाड़ियों काम करवा दी। काम कर रहे हैं हमें हो गई आज 53 साल। कितने दुख दर्द होता है कि आज तक ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि इस हालत में स्टैंड पे ऐसा हाल होता। ड्राइवर रोते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर इधर पड़ने लगा। 25 किलोमीटर जाते हैं उनको 5 बजे उठना, तो 7 बजे के नंबर को 5 बजे उठना पड़ता है। और कोई घटना हो गई तो आदमी सो नहीं पाता, 12 बजे पहुँचा, 3 बजे फिर उठेगा। जे कौन सा ना कि इधर कोई उनने आदेश किया ना कुछ किया कि यहाँ से गाड़ी वहाँ भेज रहे या बस स्टैंड अलग कर रहे, कुछ नहीं किया उनने, किसी को भी आदेश, कोई आदेश नहीं। सब व्यापार चौपट है, सब परेशान है, पूरा व्यापार भर पूरा परेशान, स्टाफ परेशान और कर्मचारी परेशान और जे सिटी के पूरे पैसेंजर परेशान। उल्टा सीधा पैसा लगता है। अब जिनको 5 मिनट लेट हो गए, भैया हमको जल्दी भेज दो यार गाड़ी ले पकड़ रहा है, तो 5 की जगह 50 लगते देना पड़ती, क्या करें, मजबूर है इस हालत में। ये बात आज तक समझ में नहीं आई, इस स्टैंड को हटा हिसाबत था, उनको तकलीफ क्या थी आज तक ये बात आपको लग रहा कुछ तकलीफ है? अंधे नगरी चौपट राजा, कोई ना सुनने वाला है, हम लोग बोल रहे हैं कोई ले नहीं रहे नोटिस, सब जमीन का खेल चल रहा है, आप भी जानते हो हम भी जानते हो और जनता भी जानती है, जमीन का खेल है। बड़े बड़े रसूखदार जहाँ पे बस स्टैंड भेजा गया है, बड़े बड़े रसूखदारों की जमीनें हैं, तो वो अपने धंधे बनाने के चक्कर में आम पब्लिक से उन्हें कोई मतलब नहीं है। रात में टैक्सी वाले वहाँ जाते नहीं हैं, टैक्सी वाले जाते तो उनके साथ लूटपाट होती है। पैसेंजर को जाना तो ठीक है, टैक्सी वाले कहते कि भैया हम नहीं जा रहे, अपन गाँव के 100 नहीं 200 देंगे, टैक्सी वाले कहते हमें धल्लो जिम में, हमें नहीं जाना है। रात भर इधर बैठे ही रहते, रात में बैठो पुलिस परेशान करेगी, कहाँ के हो कैसे हो, पैसेंजर आ भी गया इधर, इधर तो ये था कि भैया इतने साधन नहीं मिला तो रेलवे स्टेशन 10 रुपया में चले जाओ, स्टेशन पे अगर कोई ट्रेन नहीं है तो 10 रुपया में बस स्टैंड आ जाओ, पैदल भी आ जाओ। रात में खावे को इंतजाम, हर चीज़ की व्यवस्था रहती थी इधर, पैसेंजर अगर पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहती, महिला यात्री सुरक्षित रहता था। अब महिला को अगर रात में किसी को जाना हो, किसी का रिजर्वेशन है, तो महिला जा नहीं सकती, अकेले तो आदमी नहीं जा सकता। अगर स्टैंड यहाँ नहीं आया तो हम लोग तो उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन रहेगा। यहाँ पे आप जो फुटपाथ पर 100-200 आदमी पलते थे, वो भूखों मर रहे हैं ऐसी दोपहरी में, उनको दिन दिन भर खाने नहीं मिल रहा और शाम को बैसी के बैसी सो रहे वो। इधर कम से कम बस स्टैंड पे रहते थे तो पैसेंजरों को आना जाना रहता था, हम कह रहे कुछ नहीं भरपेट नहीं तो अपनी संतोषी के लिए तो खा के वो लेट जाते थे। अब वो भी स्थिति नहीं है कहीं, यहाँ पे चाय वाले पान वाले सबके धंधे चौपट हो गए, सब उसी से रोजी रोटी चलती थी। तो भाई 200-500 रुपये अगर मिल रहे हैं तो मैं अपने बच्चों का रोजगार चला रहे हैं, इधर क्या है, इधर तो अब कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल भाई, एक बात वाजिब है कि फैजाबाद की एक सीट है अयोध्या, वहाँ आती है, राम के नाम पर भाजपा ने वोट मांगा लेकिन बुलडोजर अयोध्या के लोगों की छाती पर चलाए, उनके रोजगार नष्ट कर दिए, उनके व्यापार नष्ट कर दिए, उनको तबाह कर दिया। और फिर आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब वहाँ फैजाबाद जाते हैं, उनकी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ती है तो अयोध्या हाल जाती है। जिस राम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा, वो राम जन्मभूमि में ही चुनाव हार गई। क्यों? जब लोगों के रोजगार छीनोगे, लोगों को तकलीफ दोगे, लोगों को परेशान करोगे तो हालात तो यही होंगे। 5 साल बाद फिर हारेगी, अब तो बन गई सरकार तो बन गई, अब नहीं बन पा है, जैसे बेरोजगार आदमी करो तो हम नहीं बन पा है। नेता लोग के जेब भर रहे हैं, बस बात जाए, सबकी उधर जमीनें हैं, कब्जा ठोके अकेले, बात जाए अकेले, भाई कछु नहीं है बात। उधर बेचारे गरीब आदमी पल रहे, एक दुकान से कम 5-5-6-6 आदमी काम करे, बेरोजगार रहे, एक दुकान में कम से कम 20-20 आदमी काम करते, भाई पुलिस ने भगाया है हम लोगों को, बस ड्राइवर हूँ मैं, पुलिस ने यहाँ लट मार के भगाया है गाड़ियों को, गाड़ी निकालो तो लट मारेंगे तुम लोगों को। पुलिस ने जो पूछ जल की हम लोगों के साथ स्टैंड पे बिना नोटिस के, हम लोग बस लगाए हैं यहाँ पे, बस खड़ी गए हैं, उधर से आए लट मारेंगे, गाड़ी निकालो यहाँ से, उधर लूटपाट हो रही है, लूट हो गई, साथ साथ लूट हो गई, उधर गुंडागर्दी चल रही है, बसों से अवैध पैसे उगा रहे हैं, उधर के लोग आके 50-50 रुपए गाड़ियों के दो, सब परेशान है, सवारी परेशान है, छुरा मुसूर चले जाएंगे। हम लोग किराए देके जा रहे हैं ऑटो से, यहाँ बस उठाने के लिए ऑटो से किराए से जाते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, जब जाते हैं स्टैंड
पूरा क्रिमिनल है, सब गुंडागर्दी चल रही है वहाँ, बहुत गुंडागर्दी है। सीधी बात ये है, सियासी जो लोग हैं उनके लिए आपके अंदाज में शेयर कहूँगा कि क्या तकल्लुक करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उनसे जलते हैं। इनका यही मामला है कि जनता से जलते हैं, तुम भूखो मरो कुछ करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना काम करने दो। यहाँ 5,000 का गुणा आप कर लो एक आदमी पे, 4 आदमी, तो कितना आदमी बेरोजगार हो गया। इसका असर सागर में, शहर के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि बस वालों 13 मोटर मालिक 15 मोटर मालिक हैं, मगर काम करने वाले, ठेले वाले, हर चीज़ ऑटो वाले जो कह रहे हैं ना कि ऑटो वाले 200 ले रहा, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर ऑटो का एवरेज कितना है? 20 किलोमीटर का एवरेज, 110 का पेट्रोल, वो कितना पैसे लेगा? वो लेगा ना 200 रुपये, वो नाजायज तो नहीं ले रहा कि वो तुम्हारी सेवा करे कि 120 में ले जाए, छोड़ के आ जाए 110 का पेट्रोल जला के, उतने की तो वो रात्रि का जाएगा साहब। ये बात है कहने की कि ऑटो वाला भी नाजायज नहीं कर रहा है, जो के बोल रहा है सभी लोग परेशान है, ऑटो बाजी तो खत्म है। 5,000 ऑटो यूनियन के उपाध्यक्ष हूँ, 5,500 ऑटो हैं, 2,000 आपे हैं, और उसके बाद ई रिक्शा की तो कोई गिनती नहीं है। तो आप 10,000 ऑटो वालों को जोड़ो जो काय से चल रहे थे, बस से चल रहे थे, ट्रेन से चल रहे थे, आज ट्रेनें भी बंद हैं, आज बसें भी बंद हैं। आप उनसे पूछो ऑटो वालों को उनका क्या हाल है, आप बसों को देख रहे हो, चलो ठीक है, अब तो अच्छी बात, मगर हम उन्हीं से तो जुड़े हैं, उन्हीं से तो निकले हैं। 3 दिन हो गए हड़ताल को, सर मैं तो सुनने नहीं आया हूं कि मकवानी और सिविल लाइन का जाम देखो आप, जिस छोटी सी रोड है 1 किलोमीटर की, आप यहाँ का जाम देख रहे हो, यहाँ बनवे कर रहे हो, मकवानी और सिविल लाइन का जाम तो खुलवा दो आप, कि टैक्सी ऑटो हर चीज, बीच में फोर व्हीलर टू व्हीलर बीच में खड़े हैं कि बाप का रोड है उनका, जो टैक्स दे रहे हैं उनका रोड नहीं है, ये जाम तो देखो आप, पहले यहाँ का जाम देख रहे हो, मोटर मालिक का मोटर मालिक मुजरिम है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग मुजरिम है, हर चीज देने के बाद मुजरिम है, मोटर बस चला है हम लोग। तो फिलहाल हम बस स्टैंड में थे, लोगों से बातचीत की, क्या कह रहे थे आप? वो तो कुछ नहीं, लोगों से बातचीत क्या, प्रशासन की इतनी मनमानी है, रात में 12 बजे फरमान जारी हुआ, सुबह स्टैंड खाली, और सुबह 7 नहीं बज पाए, और JBC और पुलिस पटक दी, उन्हें भगना पड़ा। अब हम लोगों तो इसलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर, बाजू में जो डिग्री कॉलेज है ये भी वहाँ पहुँच गया, अभी तो कुछ नहीं है, अभी स्कूल चालू होने दो, ये बच्चे देखो आप, ये बच्चे रो रहे हैं, ये बच्चे खुद बोल रहे हैं ना कि पहले कॉलेज आते तो यहाँ से अच्छा लगता था, अब उल्टा जाना पड़ रहा है वापस, वहाँ से फिर वहाँ पे यहाँ पे आना पड़ता था, पैसे ज्यादा लगते हैं वहाँ से। सबसे बड़ी समस्या ये है भाई साहब कि जो आम जनमानस है, जो पूरे सागर सिटी का जो आम जनमानस है और गांव का, सभी लोग परेशान हैं। मान लीजिए छोटे बच्चे जो स्कूल के लिए आते थे, मान लीजिए सुरखी से आ रहे हैं, तो वो जो दवाई करवाने के लिए मान लीजिए मकरोनिया पर कहीं दिखाना है तो उल्टा आना पड़ रहा है, वहाँ से पहले 50 रुपये स्टैंड के लगते हैं, फिर वहाँ से फिर उल्टा जाना पड़ता है मकरोनिया, 50 रुपये कैसे इस स्थिति में, बेरोजगारी के समय में, और फसलें वो चौपट हो रही हैं गाँव में, तो किस स्थिति से निपटें, बच्चों को पालें कि बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? प्रशासन को कोई समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि जो रसूख लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो बस में बैठकर देखें 1 महीने रेगुलर, यहां से वहां, वहां से यहां, तब उनको समझ में आएगा कि आम जनमानस को कितनी समस्या है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस स्टैंड को यथावत रखा जाए, चाहे 20 मिनट के लिए यहाँ स्टाफ बनाया जाए, लेकिन बस यहाँ से संचालित होनी चाहिए, बस यहाँ से संचालित होना चाहिए। और सर स्टूडेंटों के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है सर, वहाँ से जाना पड़ता है फिर कॉलेज, इसलिए सर यही होना चाहिए। मैंने बहुत किराया भी लग रहा है सर, किराया लग रहा है, लेट होते हैं, स्टूडेंटों के लिए भी दिक्कत होती है सर, बहुत होती है। अब सुरखी या जैसी नगर से सागर का किराया होगा 30-40 रुपये, और 40 रुपये में वो आएगा और 50-100 रुपये का ऑटो करेगा, तो माने ये कहाँ का इंसाफ है एक यात्री के लिए, ये बड़ी नाइंसाफी है। तो कुल हिसाब से नाइंसाफी इसलिए है कि हमने तमाम विकास देखे और विकास की उम्मीदें भी देखी, शहर के शहर बस गए, अच्छे विकास हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में जिस अंदाज में विकास हुआ है, वो विकास निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं और डायलॉग भी है कि विकास कहीं पागल हो गया, तो इस तरह से बातचीत हो रही है। तो फिलहाल इस खबर में ये मर्म है कि जब जब बुनियाद, जब जब इस शहर के पुरानी जगहों को मिटाया जाएगा, जब जब इस शहर के चिन्हों को मिटाया जाएगा, जब जब इस शहर के पहचानों को मिटाया जाएगा, तब तक तकलीफ तो ज़रूर होगी। लाखा बंजारा झील बड़ी सुंदर झील है,
और लाखा बंजारा की आंख में पट्टी बंधी है, ये विकास है। तो कुल लिहाज से बहुत सारी चीजें हैं कहने को, फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। लेकिन हम फिर कहेंगे कि चुनाव 5 साल में आते हैं और चले जाते हैं, और नेता बनते हैं बिगड़ते हैं, लेकिन अगर जनता एक बार बिगड़ गई तो तस्वीरें सामने हैं। वही मोदी 241 पर रुक गए, क्योंकि तानाशाही रवैया किसी का नहीं चलेगा। यहाँ गुंडागर्दी चलेगी हिंदुस्तान में तो सिर्फ हिंदुस्तान की जनता की चलेगी, और हम आपको बता दें रंगदारी चलेगी तो हिंदुस्तान की जनता की चलेगी, कोई नेता वेता की रंगदारी नहीं चलेगी। जिस दिन जनता सड़कों पर आ गई सारे घुटने के बल आ जाएंगे। यही कायदा लोकतंत्र का है और यही कायदा पूरे हिंदुस्तान का है। तो अभी जनता गुस्से में नहीं आई है, लेकिन खबरदार जिस दिन जनता गुस्से में आ गई, पुराना बस स्टैंड तो बहुत दूर की बात है, वो जिस ओर उंगली करेगी उस ओर आपको काम करना होगा, यही सच्चाई है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।